हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मैं घूमने आई हूँ लोकू। रिवाड़ी में है लोकू, घूमने की बहुत प्यारी जगह है जो मैं आपको दिखाने आई हूँ। ये बहुत पुरानी जगह है। तो गाइस, यहाँ से स्टार्ट होता है इसका मेन गेट। तो हमने एंट्री कर ली है, हम टिकट ले रहे हैं। यहाँ का जो टिकट है वो 30 रुपये है और जो बच्चों का है वो 15 रुपये है। और हम अगर हम मूवी भी देखते हैं तो टिकट है 50 रुपये का। तो टिकट का जो प्राइस है वो तो बहुत कम है और ठीक है, बहुत अच्छा भी है यहाँ पे। और ये 130 साल पुरानी जगह है और कितने पुराने पुराने इंजन हैं। बहुत प्यारी जगह है, यहाँ पे लोग देश विदेश से आते हैं। ऐसे ही कोई हमारे देश को खूबसूरत नहीं कहता, हमारा देश है ही बहुत खूबसूरत, क्योंकि हमारे देश में इतनी खूबसूरती है, लोग यहाँ पे आते हैं बाहर से। फोटो खींचे, हाँ। मैं तो वीडियो बना रही हूँ। ये संबंधित जो भी पुरानी चीज़ें हैं जिनसे ट्रेन में जो काम आया करती थी, वो पुरानी पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं इस म्यूज़ियम के अंदर। ये स्टीम प्रेशर गेज है, ये वैक्यूम प्रेशर गेज है, स्पीड इंडिकेटर है, टाइपराइटर, कोक वाटर है, स्टीम लोको बॉयलर माउंटिंग्स है। टाइपराइटर पुराने टाइम का, हाउस वाइफ है वैक्यूम। तो ये ब्लैक रेलवे में यूज़ किया जाता है। लोकू शेड है, यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग्स हुई है, बहुत ही बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग्स यहाँ हो चुकी हैं। हम तुम पे मरते हैं, सुल्तान, भाग मिल्खा भाग आदि फिल्मों की शूटिंग हुई है। ये वह आज़ाद इंजन है जो सुल्तान मूवी में यूज़ किया गया, जिसमें कहाँ पे ये बहुत बड़ी ट्रेन है। हाँ ये चल जाती है, ये स्टार्ट हो जाती है अपने आप, ऐसे? अपने आप हो जाती है स्टार्ट। अब ऐसे नहीं होती है, ऐसे नहीं होती, ऐसे नहीं होती, इसे स्टार्ट करना पड़ता है। टिकट है और हम अंदर जा रहे हैं क्योंकि हमने टिकट ले लिया था स्टार्टिंग में, तो मूवी स्टार्ट हो गई है। तो अब ये मैं आपको दिखाती हूँ उसमें कि लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि भारतीय रेल अपनी धरोहर को भुला दे, क्योंकि इसी के जरिए तो शुरुआत हुई थी लोगों के नजदीक आने की, दूरियां सिमटने की। भारतीय रेल के इस बदलाव पर बड़ी नजदीकी नजर थी, इसलिए इस बेहतरीन स्टीम धरोहर को हमेशा के लिए परिरक्षित करने का फैसला किया गया, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी उसी गर्व का एहसास हो सके जो इस बेमिसाल इंजन ने हमें दिया। हमें तलाश थी एक विशेष लोको शीट की, जहाँ हम इस धरोहर के परिरक्षण और पुनरुद्धार का कार्य कर सके। आखिर उत्तर रेलवे ने इस काम के लिए एक पुराने लोको शेड की पहचान कर ली। ये रेवाड़ी में लगभग एक सदी पुराना शेड था जो काफी समय से खाली पड़ा था और इस्तेमाल में नहीं था। मई 2002 में रेवाड़ी शेड में आने वाला पहला स्टीम इंजन था WP7161। इसके बाद आया WP7200 जो आजाद के नाम से जाना जाता था, और 4 अगस्त 2002 को इस शेड का हेरिटेज स्टीम लोको शेड के रूप में औपचारिक शुभारंभ कर दिया गया। उसके बाद से रेवाड़ी शेड में बहुत कुछ हो चुका है और यहाँ जोर शोर से काम जारी है। ये शेड अब पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन चुका है, जहाँ उत्सुक पर्यटकों का तांता लगाने का है, क्योंकि यहाँ उनके देखने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ एक कोच सिम्युलेटर है जो यात्रा के आनंद का एहसास जीवंत कर देता है। यही एक स्टीम इंजन सिम्युलेटर भी है जो स्टीम इंजन का एहसास जीवंत करता है।
यहाँ एक टॉय ट्रेन भी है जिससे बीते समय के सुनहरे दिनों की एक झलक मिलती है। यहाँ एक लाउंज कार भी है जिससे ब्रिटिश शाही परिवारों के वैभव का एहसास मिलता है। एडवर्ड्स कोच 1921 का है जो कि राजकुमार एडवर्ड के लिए खास तौर पर बनाया गया था जब वो भारत आए थे। इसके अंदर की झलक एक अद्भुत एहसास जगाती है। शेप में एक छोटा मॉडल रूम कम म्यूजियम है जिसमें शानदार दौर की कई नायाब चीजें हैं। लोको मॉडल, विभिन्न औजार, झंडे, सिग्नल लाइट्स और विभिन्न इंजनों के रिपेयर मैनुअल भी। इतिहास के इस खजाने में पर्यटकों की रुचि की बहुत सी चीजें प्रदर्शित हैं। आइए देखें कुछ चीजें। स्टीम रोलर EIR-22 फ्रेडी क्वीन, YB-215 और रिवाड़ी किंग, YG-3415 साहिब, YG-3438 सुल्तान, YG-4252 सिंध, XE-3634 अंगद, WP-7161 अकबर, WP-7200 आजाद, WL-15005 शेर पंजाब, AWE-22907 विराट। मैकेनिकल क्रेन मिनी वर्किंग मॉडल युगांतर, मिनी मॉडल अंतिम सितारा। और जारी है रेवाड़ी शेड में स्टीम ट्रेन के सफर के रोमांच और स्वर्णिम यादों को पुनर्जीवित करने का काम। इसकी शुरुआत हुई फेरी क्वीन के साथ जिसे EIR-22 भी कहा जाता है। ये इंजन 1855 में यूनाइटेड किंगडम में बनाया गया। इसका पुनरुद्धार किया जा चुका है और इसका रख रखाव हेरिटेज स्टीम लोको शेड रेवाड़ी में उत्तर रेलवे द्वारा किया जा रहा है। फेरी क्वीन 1997 में दिल्ली कैंट और राजस्थान के अलवर के बीच चला करती थी। 1998 में इसे विश्व के प्राचीनतम नियमित सेवा वाले स्टीम लोकोमोटिव के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। पुनरुद्धार के इसी अभियान में 1947 में ब्रॉड गेज इंजन WP-7200 आजाद का भी पुनरुद्धार किया गया। इसके निर्माता थे बाल्विन लोकोमोटिव वर्क्स USA। इसका पुनरुद्धार हेरिटेज स्टीम लोको शेड रेवाड़ी और DEMU शेड शेखपुर बस्ती में किया गया है। इसी पर 12 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली से दिल्ली मेन स्टेशन और वापस नई दिल्ली के बीच 63 अप्रैल सप्ताह एक्सप्रेस का सेरेमोनियल रन चलाया गया। इसे श्री अश्विनी लोहानी द्वारा हरी झंडी दिखाकर बड़े जोशो खरोश से रवाना किया गया। इसमें यात्रा के लिए कुछ दिव्यांग बच्चों को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। इसके बाद बाल भवन नई दिल्ली में नेहरू युग के मिनी स्टीम इंजन का पुनरुद्धार कर उसे इतिहास से फिर सच्चाई बना दिया गया। 1950 में बना ये मिनी स्टीम इंजन 17655 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बाल भवन को भेंट किया गया था। इसके पुनरुद्धार को रेवाड़ी स्टीम लोको शेड और DEMU शेड शेखपुर बस्ती में सफलता के साथ पूरा किया गया। इस सिलसिले को आगे बढ़ाने वाली सबसे ताजा शुरुआत रेल मार्गों पर स्टीम आवाजाही को बनाए रखने का शानदार प्रयास है। पहली बार एक स्टीम चालित नियमित ट्रेन की शुरुआत की गई है। ये ट्रेन WP-7200 आजाद इंजन द्वारा चलाई जा रही है। ये गढ़ी हरसरूप और फारूक नगर के बीच 10 रुपए के सामान्य किराए पर चलाई जाएगी। आशा की जाती है कि ये ट्रेन बड़ी संख्या में विश्व भर के स्टीम इंजन के चाहने वालों को आकर्षित करेगी। इस धरोहर को परिरक्षित करने के लिए उत्तर रेलवे की सहायता से नई दिल्ली में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की स्थापना की गई है। यहां पर भारतीय रेल के इतिहास पर नजर डाली जा सकती है। चाहने वालों को यहाँ कई ऐसे रोचक इंजन और कोच मिलेंगे जो उस दौर के रेलवे की कहानी बयां करते हैं। एक जमाना था जब ट्रेन या इंजन के दृश्य के बिना किसी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। स्टीम इंजनों ने बॉलीवुड फिल्मों को और आकर्षित बनाने में बड़ी भूमिका अदा की है। ब्लैक एंड व्हाइट युग से आज के दौर तक स्टीम ट्रेन और इंजनों के दृश्यों ने फिल्मों के रोमांटिक और एक्शन दृश्यों में जान डाली है।
चाहे वो फिल्म आराधना का रोमांटिक थी, मेरे सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुक मस्तानी कब आएगी, या गदरी प्रेम कथा का एक्शन सीन हो। विक्की वेतन विक्की वेतन या विभाजन के दर्द को बयां करती फिल्म भाग मिल्खा भाग का दृश्य हो, यह फिल्म सुल्तान ने स्टीम इंजन के साथ दौड़ते सलमान खान का रोमांचक दृश्य हो। हर दृश्य ने फिल्म को यादगार बनाने में अहम भूमिका निभाई है। स्टीम इंजनों ने हमेशा लोगों के दिलों पर राज किया है। कल के उपयोगी इंजन आज बेशकीमती धरोहर बन गए हैं। जारी रहेगा स्टीम इंजनों का सफर। आपका दिल जीतते हुए निरंतर, बड़ों की यादें ताजा करते हुए और युवाओं में रोमांच जगाते हुए कायम रहेगा स्टीम का जादू, और हम इसे बनाए रखने के लिए कृत संकल्प हैं। नए कदमों के साथ, नई कोशिशों के साथ, नई पहलों के साथ। मुझे तो मूवी बहुत पसंद आई और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आपकी, मतलब जो भी यहाँ पे आएगा ना वो बार बार आएगा, इतनी अच्छी जगह है हमारे रिवाड़ी में लोकू, तो आप सब भी ज़रूर घूमिए यहाँ पे आके, और बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। और बस अब हम घूमते हैं, मैं आपको और भी दिखाती हूँ कितनी पुरानी पुरानी इंजन खड़े हैं यहाँ पे, और मूवी में भी इतना कुछ दिखाया था, बहुत अच्छी जगह है। हम कहाँ घूमने आए हैं दीदी? आज हम लोग को घूमने आए हैं लोको शेड, और यहाँ पर बहुत सारे पुराने इंजन हैं, देखो दिखाते हैं, इंजन भी है बच्चों के लिए, एंड म्यूजियम और फिल्म शॉप। और अभी हम आगे दिखाते हैं ट्रेनें, और दिखाते हैं कितनी पुरानी पुरानी ट्रेनें हैं, कितने साल पुरानी हैं। आपको यहाँ पे आके राधे होगा लग रहा है, राधे दिखो हमारे छोटू महाराज हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, फिर इनको मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। हमारी गुड़िया बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होती है, हमारा छोटू है ना वो बहुत जल्दी नाराज़ हो जाता है। बस अब यहाँ पे हम थोड़े से फोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे हैं, और क्लिक कराने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे हम कैंटीन में कुछ खा लेते हैं, लेकिन वो कैंटीन ना बंद थी क्योंकि हम दोपहर में आए थे घूमने के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ ये जो इंजन है फेरी क्वीन इंजन है, ये 1997 के टाइम का है, कितना पुराना इंजन है। इसका जो रेंट था ना वो 1,00,000 रुपये था, और बताते हैं कि ये दिल्ली से राजस्थान के बीच में चलती थी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको हमारा यहाँ का रिवाड़ी का, इतना खूबसूरत इतनी प्यारी जगह लोकू, जिसमें मैं तो फर्स्ट टाइम आई थी और मुझे बहुत पसंद आया, और मैं बार बार आऊँगी यहाँ पे, ऐसा मन करा मेरा यहाँ पे आके। तो आई होप कि आपको भी बहुत अच्छा लगा हो। आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ही बता दीजिए। थैंक यू सो मच, ऐसे ही हम अच्छे अच्छे ब्लॉग आपके लिए लाते रहेंगे, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।